और मैं एक बता दूं कि जितने ब्रांड्स के नाम लिए किसी से भी मुझे पैसा नहीं मिला है, टेंशन ना ले। लोगों को ये लग आप रहा तो कह रहेगा रहे थे कि ये थोड़ी होगा, दूसरे परफ्यूम तो कहेंगे कहने प्रमोट कर रहा हूँ, वाले तो परफ्यूम बेच रहे हाँ हो इधर आजकल। ब्रांड वाले जो है मजबूत मुझे बैक उसमें पैसे दे रहे हैं, सेंटेड वैसे बाय कोई नहीं दे रहा। जी, शुरू। मान वाला काफिर बोले तो इमरोज आलम, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। सच कहता हूँ ये दीन मोहब्बत का नहीं है, इम्कान यहाँ कोई सदाकत का नहीं है, अल्लाह की कोई भी हकीकत नहीं इसमें, ये दीन मुहम्मद है मोहब्बत नहीं इसमें, बस खौफ जहन्नम का तो जन्नत का है लालच, महदूद है इस्लाम का बस इतना सा ही सच, तकलीफ यहाँ सारी बस औरत के लिए है, मर्दों की तो अय्याशी भी अजमत के लिए है। गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। हर शहर गली गांव में बदनाम तुम्ही हो, घबराए चमन जिससे वो गुलफाम तुम्ही हो, करते हो तुम्ही सर को जुदा तन से हमेशा, इस्लाम ने बख्शा है तुम्हें खूब ये पेशा, बदले में बहिश्त इसके मिलेगी ये लिखा है, मिट जाए सभी कौम तुम्हारी ये दुआ है, बस मर्द मुजाहिद रहे आबाद जहां में, हम काफिर मुशरिक तो है बर्बाद जहां में। गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। कुरान ने इंसान को इंसान से बांटा, काफिर दिले मोमिन के लिए सूरत काटा, हर वक्त खटकते हैं निगाहों में ये काफिर, जाए तो कहाँ जाए बताओ। गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, गाफिल कभी पढ़ तो सही इस्लाम का चेठा, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है, चिट्ठे ये हदीसों में भी कुरान में भी है। ये दीवारें नफरत की जड़ से हिला दो,
सीने से मोमिन के कुरान मिटा दो। खेल बहुत काफिर मुशरिक का खेल चुके, इन हैवानों को अब इंसान बना दो, इन हैवानों को अब इंसान बना दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल ईमान वाला काफिर को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही इस आतंक का विस्फोट है। इनकलाब जिंदाबाद, एक्स मुस्लिम आंदोलन जिंदाबाद। माशाओ इमरोज भाई, माशाओ जी, शुक्रिया। माशाओ इमरोज भाई, आपने तो पूरी आग लगा दी भाई। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया। लिंक भी शेयर कर दो यार अमित। कर दिए। तो दोस्तों आओ और इस गाने को शेयर करो, कभी यूट्यूब बैन कर दे, कुछ कर दे, तो इससे पहले ही डाउनलोड कर करके भी भेज रख लो फिर, ताकि डायरेक्ट भेज सको। अब इमरोज भाई, ये शादी पार्टियों में मेरे को लगता है डीजे पे बजने वाला आपका गाना ये। हाय सही है। अरे एक गुजर है, वो बड़ा डर लगता है उनसे। भाई थारा गाना कब रिलीज हो रहा? अगले महीने भतीजे की शादी हो रही, सारे काफिर झंडा गाड़ के वही गाड़ नाचेंगे मोमिनों के मोहल्ले में। जी बीच में रुक गया था, पता नहीं कैसे ये। आजकल मेरा कंप्यूटर पे अजाब आया हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों इस पे सर्च कीजिए, देखिए और खूब आगे बढ़ाइए। जैसे पहला गाना हमारा सब हराम है क्योंकि यही इस्लाम है रिलीज हुआ था, तो वो भी काफी आगे तक गया था। और इससे पहले वाला गाना जो था उसमें सिंगर अच्छे नहीं मिले थे, इसके लिए वो जो है कमजोर पड़ गया। कमजोर क्या पड़ गया, पैर टूटा पड़ा। सिंगर में ढूंढता रह पर अच्छे मिले नहीं, लेकिन ये मैंने फिर भी बहुत खोज भी इनके सिंगर को, म्यूजिक डायरेक्टर को निकाला और तब ये हो पाया। इस बार का वाकई में जबरदस्त है जी, बहुत शुक्रिया। कुरान ने इंसान को इंसान से बांटा, काफिर दिले मोमिन के लिए सूरत ए कांटा। हकीकत है, क्या कहेंगे साहिल भाई? बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। और आपकी मेहनत को सलाम। और एक दिन ऐसा लगेगा कि आप पोस्ट में, दिन में कम्युनिटी पोस्ट में भी डालिएगा कि आप फेल कर दोगे एक दिन। किनको? अरिजीत सिंह साहब को भी आप फेल कर दोगे एक दिन। अच्छा। ऐसा लग रहा है। नहीं यार, किससे मुकाबला नहीं। मेन क्या साहिल साहब, जो गाने मेरा करने का मकसद क्या है, ये मजारे जो हैं इतनी बड़ी नहीं बनती, इन्हें कव्वालों ने गा गा के बड़ा बना दिया है। मेरे ख्वाजा करते करते। और जब म्यूजिक में बहुत ताकत होती, जब पोइट्री म्यूजिक और एक शानदार आवाज, जब तीनों का संगम होता है तो बात बहुत आगे तक जाती है ना। तो मुझसे अच्छी आपकी तरह बहस करना, जैसे आप हुए, एडम भाई हुए, सचवाला जी हुए और लोग हुए, मुझसे वो तो टैलेंट नहीं है, मैंने देखा है। तो मेरा टैलेंट जो है ये यही है। और इस पे सर कॉपीराइट फ्री है एकदम, अपने चैनल पे भी आप लगा दीजिएगा और सारे चैनल्स के। मैंने एक्स मुस्लिम, एक दो गलती से कोई रह गया, एंजल जी का भी है इसमें। तो सबके लास्ट में दिया हुआ है, इन इन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ढूंढ के। तो सबके चैनल के नाम लिखे हुए। चलिए बहुत शुक्रिया इमरोज भाई, बहुत बढ़िया गाना बनाया इस बार आपने। कल साहिल भाई डाल दीजिएगा बहुत अच्छा। साहिल भाई, राबिया जी आपसे कुछ राब्ता कर रही है। अरे जाहिल, तुझे मैं पसंद नहीं करती हूँ, तुम इस्लाम को गलत बोल रहे इसलिए नींद आ रही। चलिए आज पसंद नहीं कर रही हैं राबिया जी, उम्मीद है कल पसंद करने लगेंगी। कल को गले लगा लेंगी। अरे रे 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 रे, ऐसा ली यार। ये तो एक स्टेप, एंजल जी तो एक स्टेप आगे बढ़ गई। कोई आपको जाहिल बोलता है तो वो हल्दीराम का याद आ जाती है। राबिया जी कभी जुड़ भी जाओ यार लाइव स्ट्रीम में, हमें आपकी आवाज सुननी है, पता चले कि राबिया ही हो, रब्बू नहीं हो आप।
चलिए बहुत शुक्रिया इमरोज भाई जुड़ने के लिए जी। चलिए मैं चलता हूँ, और लोगों के साथ भी जश्न मनाइए, सबको मौका मिलना चाहिए जी, है ना। तो चलिए दोस्तों, वक्त मिले तो हमारे चैनल पर आइएगा और इस गाने को भी आगे बढ़ाइएगा। ओके, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, हम एक काम करेंगे, क्योंकि 118 सुपर चैट पेंडिंग है, तो हम हमारे एक नॉन मोमिन भाई से बात करेंगे और उसके बाद 10 सुपर चैट्स लेंगे। तो पहले मैं 10 सुपर चैट्स ले लेता हूं, फिर हमारे एक नॉन मोमिन भाई से बात करेंगे। कृष्ण कुमार भाई कह रहे हैं, परफ्यूम का नाम सजेशन, मोमिन खुशबू। यार मोमिन खुशबू में मत जाना, फिर आपको जन्नतुल फिरदौस और कोबरा और मोगरा असील ये सब लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत सरदर्द अत्तर है। तो प्लीज मोमिनों की खुशबू में मत जाना। तो मैंने कुछ नाम बताए हैं, गो फॉर दैट। शाहिन भाई कह रहे हैं, इमरोज भाई आप नए रूमी बनोगे, थैंक यू सो मच शाहिन भाई। हेवेंस गेट भाई कह रहे हैं, माय फेवरेट डीएनजी लाइट ब्लू, अच्छा ये हमने ले लिया था। एके जी कह रहे हैं, क्या कमी है उर्फी जावेद में। भाई हर एक की नजर में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ चॉइसेस होते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से उर्फी जावेद जो है वो बिल्कुल जन्नत की हूर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जन्नत की जो हूर है उसके डिस्क्रिप्शन से जो 7833 है उसके डिस्क्रिप्शन से उर्फी जावेद जी जो है वो मैच नहीं करती है, वो जरा आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा हूर नहीं है इसके लिए आपको पसंद नहीं है। नहीं, हूर नहीं, हूर की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती है। तो एके जी के लिए हो सकता है कि उर्फी जावेद जो है वो एक जन्नत की हूर की तरह है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो जन्नत की हूर का डिस्क्रिप्शन 7833 में दिया है उससे उर्फी जावेद जी जो है वो मैच नहीं करती है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। तो वो चेक कर ले के मैं क्या बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। कमजोर हेडलाइट है मतलब। अरे ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी कर लीजिए ना। हाँ जल्दी जल्दी करते। कृष्ण कुमार कह रहे, और कितना दिल तोड़ेगा साहिल बेब। अरे मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में किसी का दिल ना तोड़ू मेरे प्यारे भाई कृष्णा भाई। आर एस लाइट भाई कह रहे, साहिल यू शुड ओपन मैरिज ब्यूरो फॉर एक्स मुस्लिम्स। आने दीजिए, माहौल बनने दीजिए, आर एस लाइट भाई खोल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। आर एस लाइट भाई कह रहे, तकबीर ओम हु अकबर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो वेरी मच, 6 सुपर चैट्स हो गए। हार्दिक पटेल भाई, साहिल भाई को मिर्ची में पानी आ गया जेके, थैंक यू सो वेरी मच हार्दिक पटेल भाई। जंपिंग पैरेट ट्रियो भाई कह रहे, थोड़ा बाइसेप्स दिखाओ साहिल, मोमिना इस्लाम छोड़ देंगी, थैंक यू सो वेरी मच। अविनाश भाई कह रहे, फास्टेस्ट ब्रीडिंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं, वेरी ट्रू लुका। अरे भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कोरोना जो है वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो क्या हो गया, कोरोना सही हो गया। इट डजंट मैटर के क्वांटिटी डजंट मैटर, गाइस प्लीज कीप दिस इन माइंड, क्वांटिटी डजंट मैटर, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट डजंट मैटर कि कितने लोग एक गलत चीज को सही बोल रहे। लुकाश जी कह रही है, ऑल भटके हुए एक्स मुस्लिम्स टू साहिल, आपकी मंजिल हूं मैं, मेरा मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, इस्लाम एंड मोमिन, मेरे साहिल आप है। कोई तूफान से कह दे मिल गया साहिल मुझे, थैंक यू सो मच वेरी मच लुकाश जी, मैं बहुत गंदे तरीके से गाया, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड मैसेज। टट्टी और हंसी, एडम ड्रिलिंग दिस गाई, दिस शुड बी ऑन ओनली फैंस। लुकाश जी, एडम इज सच ए सैडिस्ट, ये थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए लुकाश जी बोल रही हैं। लुकाश जी कह रहे, भाई आवाज से तो आप लेने वाले नहीं देने वाले लग रहे, बिल्कुल शाहमीर के लिए है ये। रैपिड फायर भाई, कंट्रोल प्लस एफ क्रेजी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, क्या बात है। लुकाश जी, शाहमीर तो गयो, चलिए
अभी कुछ हम एक भाई से बात करेंगे, फिर बाकी के सुपर चैट्स बाद में लेंगे। फ्लैट अर्थ पसंद नहीं साहिल। अरे भाई मेरी बात नहीं किया था मैं, उस भाई की बात किया था। मुझे फ्लैट अर्थ, गोल अर्थ, सब तरीके के अर्थ पसंद है, टेंशन ना ले। एम साहब इस्तकबाल है आपका। नमस्ते सर, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। अभी थोड़ी क्लियर है अमित, डिस्टरबेंस की आवाज आपको भी आ रही है क्या? ओ, मेरे को लग रहा है बिस्तर के अंदर में है और बहुत हल्की आवाज में बोल रहे हैं। नहीं, आवाज इन सब आ रही है तो थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। एम भाई आप हेडफोन लगाए हुए होगा? हाँ, हेडफोन भी लगाया। होल्ड ऑन, मैं रुको, हेडफोन हटा दीजिए ना। अभी कैसे आ रही आवाज? हाँ अभी परफेक्ट, बोलिए। ओके सी, देखो यार मैं थोड़ा सा मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और कुछ दिन क्या बात? कुछ दिनों पहले सी आई एम नॉन मुस्लिम। ओके सो कुछ दिनों पहले मुझे एक दिमाग में थॉट आया, एंड मैंने एक एडम का वीडियो देखा था जिसमें उसने बताया था कि मोहम्मद साहब बैठ के पेशाब करते थे, इज इट ट्रू? भाई अभी जो मैंने लिया है आप सभी लोगों से, ये एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया है भाई, इसमें भी आप I completely get it, आपने सेलिब्रेशन के तौर पे लिया है, बट मैं जो ट्रूथ बताना चाहता हूँ विच आई केम टू नो वाइल प्रैक्टिसिंग, सो जस्ट मैं वो बताना चाह रहा था कि ऐसा कुछ है क्योंकि हाँ, बैठ के पेशाब करने की बात है। एग्जैक्टली exactly.